आकार्यो भगवान् प्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणमालम् प्रेम उमर्थो श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो नापरा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं। वास्तव में भक्तों कृष्ण का नाम है आकर्षित करने वाला। कृष्ण के नाम का अर्थ ही है जो प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित करे। भगवान के अंदर इतना तेज है, इतना सौंदर्य है, इतना आकर्षण है कि यदि कोई ना भी चाहे ना तो भी भगवान की ओर आकर्षित होता है। हमको लगता है ना कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कृष्ण तो कितना आकर्षण करने वाले हैं, फिर सब लोग क्यों नहीं उनकी ओर आकर्षित होते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कृष्ण की ओर आकर्षित ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब हमको लगेगा क्यों बहुत सारे लोग जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, कृष्ण से प्रेम नहीं करते, वो कृष्ण की ओर फिर भी आकर्षित है। क्योंकि कृष्ण का अर्थ क्या है? भगवान। और भगवान का अर्थ क्या है? वेद व्यास जी के पिता महाराज, उन्होंने अच्छे तरीके से भगवान का अर्थ बताया है। और उन्होंने भगवान का अर्थ क्या बताया है? ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गणा। जिसके अंदर ये जड़ेश्वरीय परिपूर्ण मात्रा में हो ना, उसे भगवान कहते हैं। अब क्या है, हम जैसे बद्ध जीवों की बुद्धि ना बिल्कुल मंद हो, इसलिए वो डायरेक्ट से कृष्ण की ओर आकर्षित ना होकर कृष्ण के इन षडेश्वरियों की ओर अलग अलग आकर्षित होते हैं। संसार में देखो जितने भी जीव हैं वो इन षडेश्वरीय की ओर ही आकर्षित होते हैं। 90% लोग तो धन की ओर आकर, धन क्या है, भगवान का ऐश्वर्य ही तो है, और सब लोग अपना आधे से ज्यादा समय जो है वो धन की ओर आकर्षित होते हैं। जो यंगस्टर्स होते हैं वो ब्यूटी की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ ज्ञान की ओर स्टडी करते हैं, किताबों के कीड़े बन के वो ज्ञान की ओर आकर्षित। तो एक 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 करके सब लोग कृष्ण की एक एक क्वालिटी की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो किसकी ओर आकर्षित होते हैं? वो भगवान वो है जो परिपूर्ण मात्रा में इन षडेश्वरीय को रखता है। जिनके पास परिपूर्ण धन हो, परिपूर्ण सुंदरता हो, परिपूर्ण शक्ति हो, परिपूर्ण ज्ञान हो, परिपूर्ण यश हो, परिपूर्ण वैराग्य हो, परिपूर्ण बल हो, वो भगवान है। और जो यहाँ संसार में जो लोग हैं
वो इन्हीं ऐश्वर्यों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन मतलब हमारे जीवन का सक्सेस होता है जब वो भगवान हमारी ओर आकर्षित हो। जीव की जीवन जो जीव का उसी दिन सक्सेस होता है जब हम कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। और वो कैसे कर सकेंगे, आज हम उसको सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के नवे अध्याय के नवे श्लोक में प्रहलाद महाराज एक बहुत ही सुपर सीक्रेट बात बताते हैं कि आप किस तरह से कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते। मतलब पहले तो ये चीजों से नहीं कर सकते, इसके अतिरिक्त कोई चीज होगी उससे आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि आप लोगों के पास श्लोक है तो आप मेरे साथ उच्चारण कर सकते हो। मन्नीदनामि जल रूप तप श्रुतौ च तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तु दोष भगवान् गजयूथपाय। एक बार फिर, मन्ये धनाभिजनरूप तप श्रुता च तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्यातु दोष भगवान् गजयूथपान। यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोलते हैं मन्ये, मन्ये माना दिस इज माय ओपिनियन, मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये 11 क्वालिटीज के द्वारा हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, उनको हम अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। वो क्या है, मन्ये धना, धना मतलब बताओ, धन का मतलब है धन। तो धन की द्वारा हम भगवान को भला कैसे कर सकते हैं। ब्रह्मा जी तो कहते हैं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यम, जो हजारों हजारों लक्ष्मियां हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए लाइन में लगी होती है कि कब मेरी टर्न आए तो मैं भगवान के चरणों की सेवा कर सकूं। वो लक्ष्मी जो धन की देवी है वो तो चरणों में बैठी है, तो फल हम अपने धन के द्वारा भगवान को कैसे आकर्षित कर सकते। एक बार श्री रूपा जी के पास एक धनी व्यक्ति आए तो उनको लगा धनी हूं तो मैं मुझे देखकर तो स्वामी जी कितना खुश होंगे। तो ऐसे ही प्रभु रूपा जी से पूछा कि स्वामी जी आप बताइए मैं भगवान को क्या समर्पित कर सकता हूँ। तब श्री रूपा जी ने कहा, हाँ आप बिल्कुल सही कह सकते हो, कह रहे हो कि आप भगवान को समर्पित कर ही क्या सकते हो, आपके पास अपना है क्या, जो कुछ है वो कृष्ण का दिया हुआ। तो हम अपने धन के द्वारा भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते क्योंकि हम तो खाली हाथ आए थे ना, ये सब तो भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। धनाभिजना, अभिजना मतलब जो हमारे मित्र वृंद हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, वेल विशर हैं, उनके द्वारा भला हम भगवान को कैसे आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि वो भी भगवान ने ही हम प्रदान किए हैं। रूप, रूप हम अपने सौंदर्य से भगवान को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। हमारा सौंदर्य भगवान का दिया हुआ और उसके अतिरिक्त भगवान के पास इतना सौंदर्य है कि जो कामदेव जिसको सुंदरता का देवता कहा जाता है उसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ, के करोड़ों करोड़ कामदेव जो है वो भगवान के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात तो ये है कि हम धन के द्वारा उसको आकर्षित कर सकते, जिनके पास धन नहीं है तो भगवान के पास परिपूर्ण मात्रा में धन है। हम रूप के द्वारा उनको आकर्षित कर सकते हैं जिनके पास सौंदर्य नहीं है, और भगवान के लिए तो गोपियां कहती है कि ब्रह्मा जी के पास सुंदरता या सौंदर्य पुरुष व्यक्ति बनाने की जितनी भी कला थी ना वो सारी की सारी उन्होंने कृष्ण को बनाने में खर्च। हालांकि कृष्ण ब्रह्मा जी ने बनाया नहीं है, लेकिन ऐसी भाव है
भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके जो गोप भगवान रखा है ना, वो कन्हैया से कहते हैं, अरे साले भगवान ने तुम्हें लड़का बनाया है और तुम इतना सबके नाक में दम कर रखा है। अगर बनाने वाले ने तुझे लड़की बनाया होता तो कितने लोग गला काट कर मर गए होते तुझे पाने। तो कृष्ण कितना सुंदर है तो उनको बोला हम सुंदरता के द्वारा कैसे आकर्षित कर सकते हैं। और ज्ञान, ज्ञान भगवान के पास कितना ज्ञान है। भगवान ने कन्वर्सेशन में 45 मिनट में श्रीमद भगवद गीता के 574 श्लोक बता दिए, और तब 5,000 वर्षों से जहाँ के संसार के जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं उन श्लोकों को पढ़ते हैं और गहराई में डूबते जाते हैं और बोलते रहते हैं कि भाई इसके अंदर जितना डूबते हैं उतना डूबते हैं, गीता को परिपूर्ण मात्रा में समझ नहीं पाया। तो भगवान के ज्ञान की क्या बात कर रही, भगवान के बल की क्या बात कर रही, क्योंकि देखा जाता है कि भगवान जब इस धरादान पर थे तब सारे जितने भी राक्षस थे भगवान ने किसी भी राक्षस को हथियार से नहीं मारा छोटी उंगली पर छोटा सा बच्चा है वो उठा ले। तो भगवान को बोला अपने बल के द्वारा क्या आकर्षक करेंगे। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बताते, देखो मन्ये धना विजन रूप तप श्रुतम ओजस, ना अपने श्रुत अपने ओजस अपने प्रभाव के द्वारा, ना ही तेज प्रभाव बल बल पौरुष बुद्धि, ना अपने तेज के द्वारा ना प्रभाव के द्वारा, ना ही बल के द्वारा ना बुद्धि के द्वारा, नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसा। नाराधना आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप उसको अपनी और इन चीजों के द्वारा आकर्षित नहीं कर सकते। तो दोनों, अच्छा आप ही बताओ फिर हम उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं भक्तिया तुतोष भगवान के जयुत भाया, भक्तिया तुतोष भगवान। अगर कृष्ण को अट्रैक्ट करना है तो उसकी केवल एक ही विधि है, वो केवल भक्ति के द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए ये सीक्रेट तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवत गीता में बता देते हैं, कहते हैं कि भक्त्या तदन्यया शक्या आमेव विदुषु, केवल भक्ति के द्वारा ही आप मुझे आकर्षित कर सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो, मुझे जान सकते हो। तो ये भक्ति ही है जिसके द्वारा हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात है कि यहाँ भक्ति किसको कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति के लिए हम कभी कभी सोचते हैं कि भाई हम अगर अच्छा बहुत अच्छे से कोई कार्य करते हैं जिसको सबको अच्छा लगता है, जैसे जैसे हम तपस्या एकादशी के दिन उपवास रखते हैं और एकादशी के दिन उपवास रखते हैं और हम समझते हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी का उपवास रखते हो और ये सोच कर रखते हो कि मैंने तो निर्जल रखा है, सब लोग तो खा रहे हैं और सबको पता है, अच्छा आप तो सब कुछ खाते रहते हो, हम तो भाई कुछ नहीं खाते। अगर अगर आप ऐसा दूसरों को दिखाने के लिए कोई तप करते हैं तो फिर वो तप कैसा होता है। ऐसा कहते हैं श्री प्रभुपाद जी, योर बॉडी इज फास्टिंग एंड योर माइंड इज फीस्टिंग। तो ये जो है वो दिखाने के लिए अगर हम कुछ भी करते हैं ना तो वो तपस्या जो होती है वो रजोगुणी तपस्या हो जाती है। इसलिए जो यहाँ पर समझने की बात है वो ये है कि हम किस भाव से करते हैं। मतलब कृष्ण को कोई भी सर्विस अगर हम कर रहे होते हैं तो वो सर्विस किस भाव से की जाती है उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति में ये नहीं देखा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना कर रहे हो, ये नहीं देखा जाता, आप किस भाव से कर रहे हो। यदि
हमको बहुत अच्छा सा कीर्तन करना आता है, और ना एक जन्माष्टमी के दिन 50,000 लोग इकट्ठे होते हैं हम लीड करने के लिए, तो को सब लोग को भी दिखाने के लिए कि देखो हम कितना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, जब हमारी भावना कर रहे हैं भगवान को इससे कोई आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि भगवान को तभी आकर्षण होता है जब हमारा भाव होता है कि हम आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं। जब हमारे मन में ये भाव हो कि ये मेरे अंदर कोई और क्वालिटीज है भी नहीं, हमारी सारी क्वालिटीज जो है वो भगवान के सामने निकल रही है, क्योंकि भगवान को भला हमारी क्वालिटी से क्या रहा। आज हमको अगर कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है, यदि सुंदरता प्राप्त हुई है, अच्छे गाने के स्किल्स प्राप्त हुए हैं, या फिर हमें बहुत सारा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हमें अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त हुए हैं और उनमें भगवान को कोई रुचि नहीं है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। भगवान तो इस बात से प्रसन्न होते हैं कि आप कितना मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। तो इंटेंशन मैटर इन भक्ति, कि हम क्या क्या भाव से करते हैं। भगवान जो है वो हमारे भाव को देखते हैं, हमारे प्रेम को देखते हैं। अगर हम अपनी बुद्धि से बहुत सारे भगवत गीता के और शास्त्रों के याद करके बताते हैं और हम दिखाते हैं दूसरों को, देखो मुझे कितना ज्ञान है, तो क्या हमको लगता है भगवान इससे आकर्षित होंगे? भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने जब केशव कश्मीर आए थे, उस सैकड़ों श्लोक उनके सामने स्वयं से बना के बता रहे थे, लेकिन क्या चैतन्य महाप्रभु की ओर आकर्षित हुए? नहीं। और सनातन गोस्वामी के सामने दिग्विजय पंडित, क्या वो अपनी जितनी भी व्याख्या अपने बताते हैं ज्ञान की, क्या उनके द्वारा भक्ति भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान को हमारी क्वालिटीज की द्वारा प्रसन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम भगवान की थोड़ी सी सेवा करते हैं, कोई भी देखिए भक्ति का क्या मतलब है ये जरूर जानना चाहिए सबसे पहले, कि भक्ति कौन कर सकता है, किसको अधिकार दिया है भगवान ने भक्ति करने का, ये जानना चाहिए। भगवान ने हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया, किसी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं कहा कि ये मेरी भक्ति नहीं कर सकता। भगवान तो कहते हैं अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कोई दुराचारियों में सर्वश्रेष्ठ भी होगा ना तो भी वो मेरी भक्ति करने का पात्र है, उससे मैं भक्ति करने का अधिकार देता हूँ। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि व्यास आचरण, ये मत सोचो कि जिसका आचरण अच्छा हो वही भक्ति कर सकता है, वो निषाद वो व्याज उसका क्या आचरण था, बच्चियों को मार मार कर तो उनके साथ इतना अत्याचार करता था, फिर भी भगवान ने उनको भक्ति प्रदान की। और ध्रुव से चाहो या अगर कोई सोचता है भाई छोटे बच्चों को भक्ति करने का अधिकार नहीं है, भक्ति तो केवल बड़े व्यक्ति यंगस्टर्स होंगे या जो 50 साल के हो जाएंगे वही भक्ति कर सकते, छोटा सा था जो और उसने भक्ति की और उसने भगवान को 6 महीने में प्राप्त कर लिया, तो उनकी कोई बड़ी आयु तो नहीं थी। कोई ये सोचता है कि शायद ज्ञान प्राप्त करके ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं विद्या गजेंद्र क्या, वो गजेंद्र वो तो जानवर था, उसके पास कौन सी विद्या थी, लेकिन फिर उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर दिया। और अगर वो सोचता है कि कोई धनी व्यक्ति ये भगवान की भक्ति कर सकता है, तो सुदामा धनम, सुदामा बेचारे के पास क्या था, खाने के लिए भी नहीं था, तो वो भी भगवान को प्राप्त तो हो गया। तो उसके अतिरिक्त वो ये सोचता है कि कोई सुंदर ही भगवान की भक्ति कर सकता है, तो उपजा के नाम रूप अधिकम, उपजा के पास बहुत सुंदरता थी, बेचारी को रूप थी। और अगर कोई सोचे कोई अच्छे कुल में जन्म लेने वाला ही भक्ति कर सकता है, तो अक्षर कब वेदुर से, वेदुर तो दासी का पुत्र था, वो भी भगवान को प्राप्त किया। और अगर कोई सोचे कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही भगवान की भक्ति कर सकता है, तो उरस्य का पौरुषम, उसका तो राज्य में छीन लिया गया, केवल भक्ति तुष्यंति माधवा, केवल भक्ति के द्वारा ही माधवा को हम
प्रसन्न कर सकते हैं नजर गुणे, और गुणों की गुणों के द्वारा हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि यदि ये सारी एक्टिविटीज जो हम करते हैं वो भक्ति नहीं है, तो फिर भक्ति क्या है? वास्तव में प्रभुपाद जी ने जब भी भक्ति को ट्रांसलेट किया तो कभी डिवोशन नहीं किया, क्या कहा? लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम से, प्रेम के साथ कृष्ण की सेवा कर। और सेवा के साथ ने कुछ नहीं कहा, जो सेवा आपको करनी आती है, जो सेवा के द्वारा आपको लगता है कि मैं इसलिए भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, हृदय से जो आप करना चाहते हो वो भक्ति है। इसे भगवान ने भी कोई कंडीशन थोड़ी ना रखी है। भगवान ने क्या कहा कि यदि आप मुझे लेना चाहते हो क्या दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति तदा भक्ति प्रवर्ता अश्नामि प्रियतात्मना। रूप गोस्वामी कहते हैं कि इसमें दो दफा भगवान ने भक्ति लिखा है ना, दो दफा। एक तो भगवान ने कहा भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति के द्वारा प्रदान करता है, और भक्तियों पर भक्ति के द्वारा मैं ग्रहण करता हूँ। एक ही श्लोक में, दो लाइन में, दो शब्द, एक ही शब्द को दो बार कहने की क्या आवश्यकता है? भगवान कोई बार बार रिपीटेशन फिजिकल मेथड ना करते हैं, लेकिन भगवान ये बताना चाहते हैं कि इन वस्तुओं के द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होता। इन वस्तुओं कोई कोई ऐसे भगवान को जाकर बोलते हैं, भगवान आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको इसके बदले में नारियल चढ़ा रहा हूँ। भगवान के पास नारियल नहीं है क्या? भगवान के पास फ्रूट्स नहीं है क्या? भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान जो है वो भक्ति और प्रेम के द्वारा आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब होता है कि मैं प्रेम के साथ आपको खुश करने के लिए कुछ करूँ, मन में केवल यही इच्छा हो कि मेरे इस कार्य के द्वारा भगवान कोई भी वस्तु प्रदान करे, कोई भी कार्य, कोई भी सर्विस भगवान की जब हम करते हैं, और तब यदि ये भाव होता है कि कृष्ण हमारे पास तो कोई योग्यता भी नहीं, हमारे पास कोई साधन भी नहीं, हमारे अंदर कोई क्वालिटी भी नहीं है, आपकी खुशी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए शरीर भी आपने दिया, योग्यता भी आपने दी, बुद्धि भी आपने दी। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ये जो भौतिक शरीर है वो भी मैंने दिया है, आत्मा जो है वो भी मेरी मेरी शक्ति है, बलम बलवतम चावम ये बल जो दिया वो भी मैंने दिया, बुद्धि बुद्धिमता अस्मि बुद्धि मैंने दी, ये सब कुछ कृष्ण ने दिया है। और कृष्ण को बोलो कि तुम्हारी ही दी हुई इस योग्यता के द्वारा मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ, उससे भगवान खुश होते हैं, उससे भगवान को पसंद लगता है कि ये मुझे। जैसे गंगा में हम जाते हैं ना, तो गंगा में वाटर को, जल को अर्पण करने के लिए वही का जल जो है वो गंगा में वापस अर्पण करते हैं, तो गंगा के पास क्या जल नहीं है? वो तो अथाह जल का समुद्र, लेकिन फिर भी गंगा जो है वो प्रसन्न हो जाती है कि मेरे मेरी प्रसन्नता के लिए आपने कुछ किया। तो हमारी जो भी योग्यता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हम भगवान से प्यार करते हैं, हम भगवान से प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार केवल शब्दों से नहीं जाहिर होता है ना। किसी से भी पूछेंगे आप भगवान से प्यार करते हो, तो बोले हाँ, लेकिन क्या ये कह देना काफी है कि आई लव कृष्ण? उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे श्री प्रभुपाद जी बताते कि देखो, एक माता जब ये कहती है कि मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ, तो उसकी सेवा करनी पड़ती है। छोटा बच्चा पैदा हुआ होता है, वो अपने आप को गंदा करता है या रो रहा होता है, रात भर जाता है, और माता यदि यही कहती फिरे कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और उसको उठाती नहीं है, उसका डाइपर चेंज नहीं करती है, उसको सुलाती नहीं है, प्रेम से दूध नहीं पिलाती है, तो कहाँ का प्यार है? ये तो प्यार नहीं हुआ। यदि कोई पत्नी कहती है कि मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ और उसके लिए प्रसाद भी नहीं बनाती है, उसकी बात को भी नहीं समझती है, तो फिर ये कैसा प्रेम हुआ है ना? तो अगर हम प्रेम का दावा करते हैं तो इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ उसकी सेवा करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ सेवा जिसके द्वारा हम उसको प्रसन्न कर सके।
तो सेवा अगर प्रेम से की जाती है, भगवान केवल हमारे भाव को देखते हैं कि किस भाव से, वो एक छोटा सा गिलास पानी का उसके अंदर भी यदि हम एक तुलसी का पत्ता रख के भगवान को अर्पण करते हैं तो वो भी भगवान को खुश हो जाते हैं। हम जो कुछ भी, भगवान ने तो ये तक कह दिया, यत करुषु यद शासि यत करुषि यद शासि यद जो होसि ददासि यत तपस्यसि कौन्ते यत करुषु मदर्पण 9.20। भगवान ने कहा तुम जो कुछ भी करते हो बस वो मुझे प्रेम से अर्पण कर दो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो कुछ ना कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। और एक बार जब रूपाल जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप ये बताइए कि किसी को कैसे पता चले कि वो भक्ति में एडवांस हो रहा है, कैसे पता चले कि अब वो भक्ति में सीरियस हो रहा है। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा अगर वो भगवान के लिए अपना कुछ प्रिय त्यागता है ना तो समझो कि वो अभी भक्ति में सीरियस हो रहा है। प्रिय त्यागता है, बोला फिर प्रिय में क्या? बोला निद्रा। निद्रा जो है वो चीज को बहुत प्रिय होती है, और स्पेशली जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सवेरे सूर्योदय होने से पहले उठकर भगवान का नाम जप करते हैं ना, जो व्यक्ति उस समय उठकर भगवान के लिए नाम जप करता है तो समझो उसने बहुत बड़ा दिया, बहुत कृष्ण का, क्योंकि उस समय कोई दिखाने की कोई बात नहीं होती, कोई देख नहीं रहा होता है, कोई ना पब्लिसिटी करने वाली बात नहीं। मंदिर में तो सब जाकर कीर्तन करते हैं, अच्छी ड्रेसिंग पहनकर तिलक लगाकर सब डांस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय जब आप होते हो और आपका कृष्ण होता है, और जब आपको नींद भी आ रही होती है, जब आपको ऐसा लग रहा होता है कि मुझे अब नींद आ रही है लेकिन फिर भी नहीं, कृष्ण को पसंद लगता है ना, इसलिए मैं सुबह से उठ के जब करूंगा, कृष्ण को पसंद लगता है, भले मुझे मैं अपने आप को अगर थोड़ा कष्ट भी दूंगा लेकिन कृष्ण की खुशी के लिए मैं अपनी निद्रा को त्याग कर भगवान को प्रसन्न। और वैसे भी तो कहते हैं कि ये प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागते हैं तू सोते। तो अगर हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब है उससे पहले उठना चाहिए ना, वो तो सवेरे उठता है। तो सबसे बड़ी सेवा हमारी है जो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है, ये तो सारा भाग्यशाली है, सुबह सवेरे उठकर नाम जप करना, ये सबसे बड़ी सिंसियरिटी है कि हम भगवान को अपने प्रेम को उनके प्रेम से नाम को पुकार कर अपने प्रेम को भगवान के सामने प्रदर्शन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि इस कली काल में भी महाप्रभु की कृपा से, श्री रूपा जी की कृपा से हमें ये अवसर मिला है। बाकी हमारे पास ऐसा है ही क्या जिसके द्वारा हम भगवान को आकर्षित कर सके। तो केवल प्रेममयी भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, और प्रेममयी भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण करना, कितना प्यार से कितना सिंसियरिटी के साथ हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सबसे सुंदर यही सेवा। और इसके अतिरिक्त हमें हर वक्त प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें भगवान के लिए कुछ करना है, कोई ना कोई सेवा करनी है हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अभी कोई भी ओकेजन आता है, जैसे सन्मान यात्रा आता है, जुलन यात्रा आता है, कोई भी भगवान के लिए कोई ना कोई सेवा। तो जो भगवान का नाम लेते हैं वो कंटिन्यूअस भगवान को याद करते हैं, लेकिन जो भगवान की सेवा करते हैं ना उसे भगवान याद करते हैं। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने देखा भगवान के पास एक डायरी रखी हुई थी। भगवान को बोला, भगवान आप भी डायरी लिखते हो क्या? तब भगवान ने कहा हाँ मैं भी डायरी लिखता हूँ। बोले इसमें आपने क्या लिखा है, मैं पढ़ूं भले? तो भगवान ने कहा हाँ भले पढ़ो। तो जब नारद मुनि ने खोला तो उसमें लिखा हुआ था ये उन भक्तों के नाम है जो कि भगवान को कंटिन्यूस याद करते हैं। तो उसमें नारद मुनि का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा होता,
इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, बोला वाह मेरा नाम तो टॉप ऑफिस। लेकिन फिर भी ना नारद मुनि को किसका नाम है, तो पहले भी सारे देख रहे थे, अच्छा इसका भी नाम है द्रौपदी का है, कुंती महारानी का, अर्जुन का, युधिष्ठिर महाराज का, विदुर जी का, सबका नाम था, सबका नाम पढ़ रहे थे कौन कौन से नंबर में किसका नाम है। जब सबके नाम पढ़ लिए तो नारद मुनि ने देखा कि सबके नाम तो यहाँ पर लिखे हुए है मगर उस हनुमान का नाम तो लिखा हुआ ही नहीं है। भगवान हनुमान को याद ही नहीं करते हैं, मतलब भगवान की इस डायरी में भगवान अभी हनुमान में तो कंटिन्यू भगवान का नाम लेते रहते ना श्री राम, तो उसमें उसका नाम क्यों नहीं लिखा हुआ। फिर नारद मुनि ने सोचा कोई बात नहीं, अगर हनुमान जी का नाम नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, मेरा नाम तो है ना टॉप ऑफ द लिस्ट, तो मैं ना मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। तो भगवान की डायरी रख के पहले तो ब्रह्मा जी को जाके बता, आपको पता है भगवान की पास एक डायरी है जो भगवान का नाम लेते हैं ना, जो भगवान को याद करते हैं ना, उसमें सबसे पहले मेरा नाम लिखा हुआ। अच्छा वाह भाई नारद तुम्हारा तो नाम ऊपर लिखा हुआ, लेकिन भगवान ने जो बताया ना वो सबको नहीं बताना चाहिए। नारद ने बोला क्यों नहीं बताना चाहिए, मेरी पब्लिसिटी नहीं होगी, सब लोग मेरे को इतना ज्यादा तारीफ करेंगे, ये तो मैं ब्रह्मा जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास एक डायरी है, ओ भगवान के पास एक डायरी है, उसमें भगवान का जो नाम लेते हैं ना उसने सबसे पहले मेरा नाम लिखा हुआ। तो शिव जी ने कहा अच्छा, लेकिन दुखी बात बताओ अभी वो 11वें रुद्र है और रुद्र को आके बताया हनुमान जी का नाम ही नहीं था पूरी डायरी। बोला ठीक है पर आप हनुमान जी को नहीं बताना कोई बात नहीं। बोला ऐसे बोला ऐसे कैसे नहीं बताऊंगा, बताऊंगा जाकर, वो समझते हैं सबसे अच्छा भगत मैं हूँ, लेकिन डायरी में टॉप ऑफ द लिस्ट तो मेरा नाम है। और हनुमान जी के पास गया, बोला हनुमान जी आपको पता है भगवान के पास एक डायरी है आपने देखी है। बोला नहीं, आपने देखी उसमें पता है उन भक्तों के नाम है जो भगवान को याद करते हैं। अच्छा बोला उसमें सबसे पहले मेरा नाम है क्योंकि मैं तो हर वक्त बोलता रहता हूँ नारायण नारायण, तो मैं ऐसे बोलता रहता हूँ ना, तो इसलिए मेरा नाम सबसे पहले। लेकिन बड़े दुखी बात है, मैंने तुम्हारा नाम बहुत ढूंढा लेकिन पूरी डायरी में आखिरी में मैंने भी तुम्हारा नाम नहीं लिखा। हनुमान जी ने बोला अच्छा ये तो मेरे प्रभु की इच्छा है, मेरा काम है उनकी सेवा करना, वो यदि मुझे अपने भक्तों में स्वीकार करते हैं तो उनकी कृपा है, यदि नहीं करते तो उसमें मेरी ही कोई दृष्टता होगी, मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, लेकिन आशीष व पादरता विनष्टवा अदर्शनम मर्महता करोत्वा यथा तथा वा वेदना तुलम पट मत प्राणनाथस्तु स एवनापरः। हे प्रभु मैं आपके अतिरिक्त किसी और को मैं प्राणनाथ नहीं मानता, चाहे आप मुझे गाढ़ आलिंगन दे, चाहे अपने पैरों से कुछ दे, या चाहे अपने दर्शनों से वंचित रखकर मेरा हृदय तोड़, आप जो चाहे सो करे, परंतु आप ही सदैव मेरे प्राणनाथ हो। तो भगवान बने मुझे अपने भक्तों में स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे इससे कोई भी गिला नहीं है क्योंकि वो स्वतंत्र है, लेकिन मैं तो उनका नित्य दास हूँ। ये याद रखना चाहिए कि हमें यदि प्रशंसा मिलती है, मान मिलता है, हानि मिलती है, लाभ होता है, जो भी होता है, जो भी होता हमारे साथ वो कृष्ण की कृपा ही है, और हमें उसे प्रेम से स्वीकार करना चाहिए, कभी अधिकार नहीं जताना चाहिए कि मैं तो कितना नाम जप करता हूँ, मुझे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता उसके बदले में। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है उनकी मर्जी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद हनुमान जी भगवान के पास गए और हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया, तो हनुमान जी ने भी देखा कि भगवान के पास डायरी रखी हुई थी, लेकिन एक नहीं रखी थी, दो रखी हुई थी। तो हनुमान जी ने कहा भगवान ये डायरी की कौन सी है, तो भगवान ने पहली जो नारद मुनि ने डायरी देखी थी ना वो दिखाई, बोला हनुमान इसमें उन सारे भक्तों के नाम है जो मुझे याद करते हैं। हनुमान जी को याद तो आ गया कि इसमें मेरा नाम नहीं है, फिर भी वो चेक करने लगे, क्या खबर छोटा कहीं लिखा होगा तो है ना, हनुमान नारद मुनि ने नहीं देखा होगा, गौर गौर से देखने लगे,
क्या इसमें मेरा नाम है? लेकिन नहीं था। फिर हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। फिर वापस भगवान से पूछा कि ये दूसरी वाली कौन सी डायरी है, तो क्या ये इसका सेकेंड वर्जन आया है? तभी ना भगवान ने कहा नहीं, ये इसका सेकेंड पार्ट नहीं है, ये अलग है। तो भगवान को बोला फिर अलग है तो इसमें किस क्या लिखा हुआ है? तब भगवान ने कहा वो जो पहली वाली डायरी थी ना, उसमें उन भक्तों के नाम थे जो मुझे याद करते हैं, और ये जो दूसरी वाली डायरी है ना, इसमें उन भक्तों के नाम हैं जिनको मैं याद करता हूँ। हनुमान जी ने कहा अच्छा आप भी? तो बोला हाँ मैं भी। बोला मैं ये वाली डायरी देखूं? तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है देखो। और वो वाली डायरी जब हनुमान जी ने देखी तो उसमें पन्ने ही नहीं थे, एक ही पन्ना था और एक ही नाम लिखा हुआ था, हनुमान जी। क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि हनुमान जी के मन में हर वक्त सेवा का भाव होता है ना, मैं क्या करूं भगवान को, जैसे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया को जब कोई काम पड़ता है ना तब भगवान की याद आती, और भगवान को जब कोई काम पड़ता है तब हनुमान की याद आती। तो हनुमान जी हमेशा राम काज बिना नहीं विश्रामा, हर वक्त उनकी इच्छा होती है कि मैं भगवान की कुछ सेवा करूं, उनको आराम ही नहीं आता है, हर वक्त उनकी इच्छा होती है कि मैं भगवान का कुछ भगवान के लिए सेवा करने की इच्छा। तो हम जब नाम जप करते ना तो उसमें भी हम यही महारानी से प्रार्थना करते हैं कि ए भगवान की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपया मेरे अशांत और अपवित्र मन को पवित्र करके इस बात के लिए मुझे मुझे शक्ति दो, मुझे उत्साह दो, मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं, मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। तो कृष्ण की सेवा करने का भाव जो है वो हमारे हृदय में प्राप्त हो जाए, वही है प्योर भक्ति, कि मैं भगवान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनको खुश करने के लिए। मैं आपको पता है प्रेम का क्या मतलब होता है? गोपियों से जब पूछा गया प्रेम किसे कहते, तो गोपियां कहती हैं तत्सुख सुखित्व, कि मैं कैसे उनको प्रसन्न करूं। इस संसार में कैसा होता है प्रेम का मतलब? निज इंद्रिय तृप्ति, कि उसके द्वारा मुझे कैसे सुख मिले, हम यही सोचते हैं ना, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके द्वारा मुझे सुख मिलना चाहिए। लेकिन वास्तव में कृष्णेन इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, कृष्ण की इंद्रियों को खुश करना ये प्रेम है। और निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, यदि हम अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा करते हैं तो वो काम है। तो यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती कि फिर हम कैसे खुश होंगे? यदि हम भगवान को ही खुश करते रहेंगे तो हमारी बारी कब आएगी? तो इसका इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में। वो बताते हैं कि ये जो जीव है ना, उनको खुश करने का एक अलग प्रोसेस है। अलग प्रोसेस है मतलब वो स्वयं को खुश करके खुश नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्ट होता है। जब कृष्ण खुश होते हैं तो कृष्ण के खुश होने के कारण जीव खुश होता है। ये ऋषिकेश ऋषिकेन सेवना भक्ति उत्तम, ये इंद्रियों के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तभी हम खुश होते हैं। जीव कभी भी खा कर सो कर मैथुन करके बच्चे पैदा करके घर लेकर गाड़ी लेकर जीव खुश नहीं होता। ये सारी सुविधाएं तो हमारे शरीर के लिए हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा प्रेम के साथ जब भगवान की सेवा करते हैं उसके द्वारा हम अपने आप को प्रसन्न कर सकते हैं। ये नात्मा सुप्रसिद्धति अहितुकी अप्रतिहिता, जब हम बगैर किसी ख्वाहिश के बगैर किसी गर्ज के भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं उसके द्वारा हम सब प्रसन्न होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौरव प्रेमानंदे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।
बहुत ही मतलब दिल को छूने वाला आप जो लेक्चर देते हो ना माता जी, उसको सुन के बिल्कुल जैसे आप अभी बोल रहे थे ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए, तो वही कि जैसे अब आपका जब लेक्चर सुनते ना तो दिल अंदर से एकदम से बिल्कुल दिल बिल्कुल झूम जाता है, वैसी खुशी मिलती है। तो हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि भगवान जो है हनुमान को याद करते हैं, भक्त जो है भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान हनुमान जी को याद करते हैं, तो जैसे वो राम भगवान और हनुमान जी है, हालांकि राम और कृष्ण एक ही है, लेकिन फिर भी तो कृष्ण जो है वो राधा रानी को जो है हमेशा ऐसे याद करते हो करते हैं, ये मतलब यही होता होगा ना जी माता जी। और एक चीज और कि जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम मतलब हम खुद कैसे प्रसन्न होंगे, यानी कि हम जब भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे, नेचुरल सी चीज है ना, ऐसे ही है ना। मैं बस क्लियर करना चाह रही हूँ, मतलब मुझे पता नहीं है, मैं आपसे कन्फर्म करना चाह रही हूँ। अभी यही हम बात कर रहे थे कि हमें हमारी हमें को हमारी आत्मा है ना, वो तो भगवान का अंश है ना, तो अंश को प्रसन्न करने का कार्य, जैसे अगर मेरे शरीर के किसी भी हिस्से को, जैसे समझो मेरी आंखों को यदि ना प्रसन्न करना है, भूख लगी है अगर कुछ हमारे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम हाथों के द्वारा काम करेंगे, भले पैरों के द्वारा सामान लेके आएंगे, भले कुछ भी करेंगे, लेकिन भोजन किसको खिलाएंगे, हम पेट में खाएंगे तो हमारी सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी। हाथ अगर बोले नहीं भाई मैं पेट को थोड़े ना खिलाऊंगा, सारी मेहनत मैं करूं, खाना इधर रखो, सब्जी रोटी पता चपाती है और ना बिरयानी रख के यहाँ पर बांध दो, मैं इससे खुश होऊंगा, तो क्या वो खुश होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि वो प्रोसेस ही रॉन्ग है। हम लोग जो सब सोचते हैं ना कि संसार की चीजें प्राप्त करके हम खुश होंगे, वो प्रोसेस ही रॉन्ग है। प्रोसेस सही वाला क्या है, पेट के अंदर भोजन डालो सारा शरीर संतुष्ट, उसी तरह से स्वयं को प्रसन्न करने का प्रोसेस क्या है, भगवान को प्रसन्न करो हम प्रसन्न हो जाएंगे, ये प्रोसेस हम अंश है ना, मामा ही वंश। और फिर भगवान ने, जैसे आप बोलते हो ना कि भगवान कैसे अपने भक्तों को कृष्ण है, तो भगवान भी बोलते हैं 9.29 में भगवान ने कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी का ज्यादा पक्षपात करता हूँ, मेरे लिए सब इक्वल है। लेकिन उसके बाद भगवान कहते हैं, ये भजन्ते तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो प्रेम के साथ मुझे प्रेम करते हैं, मैं भक्ति के साथ मुझे स्मरण करते हैं, मैं उसका हो जाता हूँ। और फिर भगवान 4.11 में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि हम, जब तुम मुझे याद करते हो ना तो मैं तुम्हें याद करता हूँ, मतलब जिस भाव से आप मेरा सुमिरन करते हो मैं उसी तरह से डील करता हूँ। भक्त भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, भक्त की एक इच्छा है मैं कैसे कृष्ण को खुश करूं, और प्रेम भाव है, प्रेमी हमेशा ये सोचता है कि मैं कैसे अपने प्रीतम को खुश करूं, तो भक्त की ये हमेशा इच्छा होती है कि मैं कैसे कृष्ण को खुश करूं, और कृष्ण की हमेशा ये इच्छा होती है कि मैं कैसे अपने भक्त को खुश करूं। अब आप खुद सोचो, हम स्वयं से खुद को खुश करेंगे तो कितना कर पाएंगे, और यदि कृष्ण की ये इच्छा हो गई कि वो हमें खुश करने का प्रयास करने लग जाए तो कितना कर सकते हैं, है ना। जी माता जी, माता जी एक क्वेश्चन और था कि जैसे हम भगवान की कोई सेवा करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, तो जैसे शास्त्रों में या ज्ञानी बताते हैं, पंडित लोग जो भी विद्वान हैं बताते हैं कि हमें ये विधि, इस कार्य को करने की ये विधि है, इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन हमें वो पता होने के बाद भी हम उसको उस तरीके से ना करके लेकिन अपने किसी भाव से भगवान की वो सेवा करते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा मीन्स भगवान को कृष्ण को खुश करने वाली विधि क्या होगी, जो हम वही कि हम जो भाव से अपने आप से कुछ कर रहे हैं, या जो पुस्तकों में ग्रंथों में बताई गई है वो ज्यादा प्योरिटी वाली जो तरीका होगा, जो वो कौन सा ज्यादा होगा, भाव वाला या जो ज्ञान पुस्तकों में बताया गया है वो। हरे कृष्ण माता जी, देखो दो प्रकार की भक्ति होती है, वैधि भक्ति होती है और भाव भक्ति होती है। लेकिन जो भाव भक्ति होती है उसका स्टेज बहुत ऊपर होता है, हम जिस स्टेज पर हैं तो हम जब
गुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं, जो हमारे काउंसलर्स होते हैं, जो हमारे शिक्षा गुरुज होते हैं, तो उनके आदेश के अनुसार, क्योंकि हम हमारे अंदर भाव है, उसका भी हम प्रदर्शन कैसे करेंगे जब हम रूल्स के अनुसार, हम जो भक्ति करते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार हमको जितना संभव हो सके, मतलब कि प्योरिटी होनी चाहिए, भाव के साथ करें, साफ सुथरा होना चाहिए, तो हम इतना ये नहीं है कि सारे श्लोक याद करें, सारे मंत्र याद करें तब तक तो हम, लेकिन हमारे हमारे जो शिक्षा गुरु होते हैं, हमारे जो गुरु ने हमें आदेश दिया होता है उसके अनुसार तो हमको, जैसे सुबह को उठते हैं मंगल आरती करनी, अब हम लोग सोचे भाई हम लोग को तो मंगल आरती करने, हम लोग को मंगल आरती करनी है बट हमको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग, हमारा तो भाव है ना, हम भगवान से अपने भाव के साथ नाइट सूट में बैठ के ही मंग, तो मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। और जैसे जैसे हम है ना चैंटिंग अच्छी करते हैं और वैष्णव का संग करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं, तो उनके अनुसार हमको करना चाहिए, और वो बहुत हाईएस्ट स्टेज होता है जब हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस को, भाव भक्ति जो होती है वो बहुत ऊपर की, जैसे गोपियां हैं वो उनके स्टेज की होती है भाव, वो उनको कुछ भी रूल्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम जिस स्टेज पर हैं तो हमको जैसा हमारे गुरु ने, हमारे शिक्षा गुरु ने जिस तरह से सिखाया है, हमको सीखना सदैव चाहिए कि भाई इस तरह से करें, क्योंकि प्यार का मतलब क्या होता है कि हमेशा, जैसे जैसे हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम दूसरों से पूछते हैं, अच्छा वो मैं उसके नेचर को नहीं जानती, आप बताओ ना उसको क्या अच्छा लगता है, उसको कैसा अच्छा लगता है, वो कैसा पहनना पसंद करता है, किस तरह से बोलना पसंद करता है, तो हम भी अगर कृष्ण से प्यार करते हैं तो जो अच्छे भक्त होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनसे हमेशा हम संपर्क करते रहते हैं और पूछते हैं कि हम किस तरह से, जैसे चंदन लगाना है तो किस तरह से घिसे, किस तरह से हम भगवान तुलसी पत्ता अर्पण करना है तो उसके लिए क्या, तो हमेशा हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे भी आप कह रहे हो कि हम मतलब सभी करते हैं वैष्णव जो है ये, कि हम भगवान को तुलसी दल जो है अर्पण करते हैं सुबह उनके चरणों में, तो हम जब वो उनको अर्पण कर रहे होते हैं तो हमारे क्या भाव होने चाहिए, कि हम आपकी सेवा के लिए कर रहे हैं या कुछ और? यही, कोई भी कार्य हम करते हैं भगवान के लिए, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो हम भगवान को ये भी बोल सकते हैं कि भगवान देखिए मुझे तो ज्ञान भी नहीं है, मुझे तो ज्यादा विद्या भी नहीं पता है, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रही हूँ, आप उसे स्वीकार कीजिए, भले हमको सही मंत्र नहीं आते लेकिन अगर हमारा ये भाव है कि भगवान आप, मैं आपको प्रेम के साथ इसको स्वीकार अर्पण करती हूँ तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपने जो अभी नारद वाली कथा सुनाई जिसमें उनके अहंकार का और हनुमान जी की भक्ति का जो वर्णन किया था, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। इसमें थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहिए कि भगवान, जब नारद जी को यह अहंकार हो गया था तो भगवान जी ने भी एक नारद जी का अहंकार भंग करने के लिए आगे उनका एक वो किया था खत्म करने के लिए, नारद जी को जो मोह हुआ था जिसमें विश्व मोहिनी का रूप धारण करके नारद जी को किया था और उनका अहंकार चोर चोर किया था। तो आज के संदर्भ में, आज कलयुग में भी बहुत से लोग जो अहंकार बस अपनी भक्ति दिखाते हैं, जैसे पंखा लगवा दिया उसका नाम लिखवाते हैं, जगह जगह लगाते हैं, तो क्या उनका भी अहंकार भगवान दूर करते हैं क्या अभी आजकल? हम अगर भगवान के लिए कुछ करते हैं ना तो भगवान, भले हम अच्छे, हमारा भाव अच्छा नहीं होता है लेकिन जब हमारी इंटेंशन कहीं ना कहीं ये होती है कि कृष्ण के मंदिर के लिए या कृष्ण की सेवा के लिए, तो फिर कृष्ण तो हमारे हृदय में भी है ना, तो वो धीरे धीरे हमें हृदय को प्योर करते ही है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो हम में से जितने भी आज सिंसियर होकर सुबह को चैटिंग करते हैं तो बहुत, मतलब आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले हम थोड़ी भक्ति जो है ना वो दिखावटी तौर पे करते थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि दूसरों को कैसा अच्छा लगेगा कि मैं बड़ा भक्त हूँ लगा कर, और धीरे 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 प्योरिटी की ओर आते हैं।
ना, ऐसा होता है, हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है कि हम पहले श्लोक पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं जैसे दूसरों को दिखाते हैं कि देखो ये कितना होशियार है, इसको कितने अच्छे अच्छे श्लोक पढ़ना आते हैं, और फिर बाद में लगता है कि यार ये तो मैं क्या भगवान को दिखा रहा था, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, मेरे जितना जितना जानते हैं ना उतना उतना हमको पता चलता है कि हम कुछ नहीं जानते। तो इस तरह से भगवान डेफिनेटली, हम किसी भी भाव से कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण कोहे आमी बजे मांगे विषयर सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे ही बड़ो मूर्ख, आमी विज्ञान विषय की न दिबा स्वचरण अमृत। तो दूसरे देवी देवताओं के शरण में जब हम जाते हैं तो प्योरिफिकेशन नहीं होता, लेकिन कृष्ण की शरण में, कृष्ण की कोई भी सेवा हम करते ना, एक बार भी मुख से यदि निकल आता है ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसी दिन ये गारंटी मिल जाती है कि ये जीव जो है आखिर में प्योर बनेगा। अब वो अलग बात है कि हम कितनी कितनी स्पीड से आगे जाते हैं, हम अपने अहंकार को कितने दिनों तक संजोए रखते हैं और कितना जल्दी या फिर कितना जल्दी सिंसियर होने का प्रयास करते हैं। इच्छा जो है वो हमारी अपनी चलेगी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर ओन डिजायर, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी शुद्ध भक्त बनना चाहते हो। तो डेफिनेटली बनेंगे, अवश्य भगवान हमारे अहम धन्यवाद। एक दूसरा और प्रश्न है माता जी, अगर आप अलाउ करें तो, ये जो ज्यादातर ये प्रश्न कई बार भक्त उठाते रहते हैं क्लासों में, और डिफरेंट डिफरेंट आंसर भी मिलते रहते हैं, ये जैसे भक्तों का है, भगवान के भक्त भगवान को प्रिय हैं। अभी जैसे आपने कथा में बताया हनुमान जी का उदाहरण देके भगवान उनको याद करते हैं, और भगवान ने गीता में भी कहा है कि ये तू धर्मामृत में दम यथोक्तम परिपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्तास्तु अति मे प्रिय, वो मेरे को भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो प्रश्न आता है यहाँ पर, जैसे अब हनुमान जी हैं तो बहुत से लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो उनके भक्त हैं, अब जब हनुमान जी अति प्रिय हैं भगवान को और वो उनके भक्त की पूजा कर रहा है आदमी, तो भगवान और प्रसन्न होने चाहिए, परंतु हमारे यहाँ पर ये बताते कि नहीं वो डेमी गॉड हैं और ये गॉड हेड हैं, तो केवल गॉड हेड की पूजा करो और उनकी पूजा मत करो। यहाँ पे एक बड़ा कई बार ये प्रश्न उठता है, तो इसमें सही क्या है? हम अगर किसी की पूजा करते हैं ना तो कम से कम इतना तो जान करे जाने कि वो जो जिसकी पूजा कर रहे हैं वो खुश कैसे होंगे, है ना। आप किसी की भी पूजा करते हो, आप कम से कम ये तो जानो कि वो खुश कैसे। हनुमान जी कब भी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, वो तो बोलते हैं कि मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो भगवान की सेवा करता हूँ। उनको तो पसंद भी नहीं आता होगा कि कोई उनको भगवान समझ कर उनकी पूजा करे, है ना। कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं भगवान तो खुश होंगे। चलो ठीक है, भगवान के शुद्ध वैष्णव को अगर हम प्रणाम करते हैं, हम अगर उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, चलो भगवान खुश होंगे, अगर तो भी जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो तो खुश नहीं हो रहे हैं, है ना। वो तो कभी भी खुश नहीं होंगे कि हनुमान जी कब खुश होंगे। आप ठीक है, आप हम छोटे भक्त है ना, बिल्कुल छोटे कनिष्ठ भक्त कहने के अधिकारी नहीं है, लेकिन कोई आकर हमें ये सोचे कि भाई हाँ आप भगवान से ज्यादा हमको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, भगवान से माने भगवान को नहीं भक्ति कर, तो क्या हम उसको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करेंगे तब हमें खुशी होगी। कोई भी मिलेगा, हम डेमीगॉड्स की सेवा करेंगे तो हमें खुशी नहीं होगी ना भगवान की, तो वो तो भगवान के कितने शुद्ध वैष्णव भक्त हैं, तो वो कैसे खुश होंगे। कम से कम इतना तो जानना चाहिए ना कि जो मेरा स्वामी है वो खुश कैसे होगा, वरना तो फिर हमको है ना, जैसे कृष्ण तो श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं, है ना, तो हमको ये सोचना चाहिए कृष्ण को छोड़ो हम राधा, लेकिन राधा रानी को क्या पसंद लगेगा जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे। तो हमको कम से कम इतना जानना चाहिए कि जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं वो कैसे प्रसन्न होंगे। सारे देवता भी तभी प्रसन्न होंगे जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे। तो हमको इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए कि हमें भगवान में और देवताओं में डिफरेंस को समझना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।
हरे हरे कृष्णा कृष्ण जी, बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने, वेरी नाइस लेक्चर माता जी। किसी और भक्त का कोई और प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। दोबारा से मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि हम हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे कि हम जब राम जी की भक्ति करेंगे, तो ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि राधा रानी जब प्रसन्न होंगी जब हम कृष्ण भगवान की को प्रसन्न करेंगे, और ऐसे भी कहते हैं कि कृष्ण भगवान जब प्रसन्न होते हैं जब हम राधा रानी की पूजा करते हैं, उनकी सेवा भाव रखते हैं, तो दोनों को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोनों को खुश करने के लिए महामंत्र का जप करना चाहिए। वो तो जैसे हमें सिखाया जा रहा है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। अब हम कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे वो भगवान जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमें आप करो बस। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते रस्ते मा फलेषु कदाचित्। आप ये मत देखो मैं कितना सक्सेस हो रहा हूं, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं बस। कृष्ण ये देखते हैं भाव, कितना किया कितना आप सक्सेस हो, ये कभी भी डिसाइड मत करो। जज तो खुद कृष्ण करेंगे। वो ना जाने कौन सी बात पर दया निधि रीझ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन सी बात उसको अच्छी लगेगी। ताना है कृष्ण को कि हम जो कर रहे हैं ना बस आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं, बस आप इससे खुश हो जाओ कैसे भी करके। मुझे मेरे अंदर इससे अच्छी योग्यता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा अपने ओम से 100% देने की, लेकिन कितना परसेंट कर पा रहा हूं। छोटी सेवा मेरी है उसको स्वीकार करो, भगवान अवश्य खुश होते हैं। और महामंत्र से तो भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जी माता, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो वी विल वाइंड आर क्लास टुडे। एक अनाउंसमेंट करनी थी। दया गौरंग प्रभु जी जो है हमारे साथ, जो रेगुलरली आते हैं, उनके फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है एंड ही इज हॉस्पिटलाइज्ड। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल डिवोटीज, लेट्स जस्ट चैंट हरे कृष्णा महामंत्र फॉर हिम एंड ऑल्सो फॉर प्रिया वल्लभ देवी दासी। वेरी नाइस लेक्चर। सो लेट इज ऑल चैंट हरे कृष्णा महामंत्र 3 times। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे जय। वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठाकुर महाराज जय जय। श्री वैष्णव।